हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और साथियों, आज का व्लॉग एक बहुत स्पेशल है। साथियों, यहाँ हमारे झारखंड में हजारीबाग में आज तीसरा दिन है पानी का। एकदम खतरनाक तरीका से पानी पड़ रहा है। खैर, तो ये हम लोग का जो जगह है वो प्लेटियो है। अगर प्लेन रहता बिहार जैसा, तो अभी पूरा जो खेत दिख रहा है ना, चारों तरफ अभी लबालब भरा हुआ रहता। तो साथियों, अभी थोड़ा नदी जाएंगे, वहाँ हम आपको दिखाएंगे पानी। कल से कम पानी होगा, क्योंकि कल जो पानी पड़ा है दिन भर ना, वो क्या पता है, अभी और 3 दिन शायद पानी रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में, अब बंगाल में लो प्रेशर बना हुआ है इसीलिए। तो साथियों, अभी हम दिखाते हैं यहाँ से आपको नज़ारा। तो साथियों, देखिए नदी का आज हाल दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से कितना ज़बरदस्त सीन है। और देखिए संजय मामा को तौलिए पर चल दिए, और उधर करमवीर छोटू मशरूम उठा रहा है नेचुरल, जो आप लोग खाते हैं बटन बटन वाला नहीं है। क्या छोटू, देखिए आर्मी मैन को, आर्मी में सिलेक्टेड है। नदी का हाल देखिए साथियों, उफन रहा एकदम भयानक टाइप से नदी। हम भी एक्साइटेड है इसीलिए रुक के खा रहे हैं। कल तो सुने और खतरनाक पानी था, आज तो कम हो गया, कल और खतरनाक पानी था। साथियों, गांव का जो हवा होता है, गांव में रहते उन्हीं को पता है उसका सुगंध कितना जबरदस्त रहता है। साथियों, नदी देखिए कितना भयानक एकदम भर गया है। क्या संजय मामा, कलार पानी है लोने? कल पूरा जा रहा था। हाँ, आधा पुल, अरे फिर भी बहुत पानी है। अरे पुल में उतना दूर जा रहा है, आधा पाया ढक दिया। देखिए छोटू, आप क्या करेंगे, तुम आर्मी में हो गया सेलेक्ट, तो अब क्या फायदा तुम्हारा वीडियो दौड़ते हुए वीडियो डाल करें छोटू बाबू। तो साथियों, देखिए नदी कितना भयानक एकदम उफान रही है। कल कहाँ तक पानी था छोटू? कौन कहाँ तक? यहाँ तक। साथियों, कल देखिए कहाँ तक, यहाँ तक पानी था। अभी भी बहुत खतरनाक पानी है एकदम। भोलेनाथ का दर्शन यहीं से, जय भोलेनाथ। खाली 1 किलो उठा के हमको दे दे, बस खुश। आप यहाँ से नज़ारा देखिए साथियों, बस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं कि याद रहे, कहीं जाए तो अपना नदी, अपना घर गांव देख सके बढ़िया से। देखिए कितना भयानक एकदम पानी जा रहा है, पूरा एकदम खतरनाक तरीका से। अभी आपको उस साइड दिखाते हैं। खतरनाक पानी, इसीलिए मोबाइल वाला स्टैंड ले आए भैया, मोबाइल छूटा खेला खत्म, खोजने से नहीं मिलेगा। देखिए पानी कितना बेजोड़ एकदम बह रहा है, आवाज़ सुन सकते एकदम गरज। आप देखिए वहाँ उधर दिख, आपको दिख रहा होगा तो पानी कल कहाँ तक गया है सो। और देखिए हमारे देश के जवान उधर देख किनारे में ही नहा रहे हैं, लेकिन नहा रहे हैं। इससे भी खतरनाक पानी में जब था तो अपना राहुल बाबू और दीपक बाबू पार किया था चैलेंज में, लेकिन वो लोग उस दिन से नदी नहाना बंद कर दिया डर से। क्योंकि पहले के लोग और अभी के भी कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं आग पानी से खेलना नहीं चाहिए, बताओ सुपर नेचुरल पावर इज सुप्रीम पावर, गॉड का डेफिनेशन ही यही है, सुपर नेचुरल पावर इज गॉड। हम पहली बार मतलब देखे अपना नदी को इस टाइप से, आते नहीं थे, आज आ गए क्योंकि पुल बना हुआ है। देखिए पुल पूरा व्यू नहीं आ रहा, हम देखते हैं कहाँ से आएगा। तो साथियों, बहुत मजा आ रहा है एकदम पुल के ऊपर। एकदम
नदी एकदम चौड़ा लग रहा है, इतना भयानक ना, तो मजा आ रहा है एकदम देखने में, ठंडा भी लग रहा है। देखिए हजारीबाग का मौसम यही है साथियों, जहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जहाँ एक घंटा पानी पड़ गया ना फिर सीधा 30, और एक अभी तो एकदम इसी तरह अगर दो दिन और पड़ता रहा ना तो सारे लोग रजाई कंबल निकाल लेंगे, भयानक टाइप एकदम। यहाँ से देखिए हमको हल्का चक्कर टाइप में भी लगता है, लग रहा है देखने में इसको, मतलब इस तरह से बहते हुए हम पहली बार देखे हैं पानी। ये जो पत्थर दिख रहा है नदी का सबसे ऊंचा पत्थर है, लेकिन इसका भी देखिए थोड़ा सा सिर्फ ये दिख रहा है, पानी मतलब कितना है ना इसमें कोई बोल नहीं सकता है। देखिए कुछ बच्चा लोग ऐसे उन लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत खतरनाक बह रहा है, जरा सा पैर वैर फिसलेगा ना। लेकिन बात यह भी है कि यहाँ के जितना बच्चा उच्चा है सब तैरने जानता है हम लोगों के छोड़ के, क्योंकि हम लोगों को देखिए वो अंकल जी का साहस, बॉडी भी खतरनाक है एकदम। अभी हम यहाँ खड़ा में हमको लग रहा है हम चल रहे हैं नदी। तो साथियों दिन भर बारिश हुआ पूरा एकदम, और अभी छूटा, अभी लगभग 5:30 बज गया है तो अभी बारिश छूटा। तो साथियों दिन में तो 2-3 घंटा ही 2 ही घंटा पढ़ पाए, अभी बैठ के पढ़ते हैं। साथियों अभी पानी छूटा तो सब मच्छर लोग को भूख लग गया, और वो लोग ऐसा काट रहा था अभी बैठे तो अचानक से इतना काटने लगा, लग रहा था कि 2-3 साल से भूखा है सब 2-3 साल से खून नहीं पिया है, तो सबका इलाज कर दिए, अभी मारे नहीं बस पड़ोमोस लगा लिए पैर में। तो साथियों भी बैठ के पढ़ते हैं।